क्षेत्र का ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोक नृत्य समारोह शुक्रवार 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन शाम 6 बजे महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित, आदिवासी विकास महामंडल नागपुर के अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र ठाकरे एवं लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता संजय दशपुते के हाथों किया जाएगा। केंद्र का ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला व लोक नृत्य समारोह शुक्रवार 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के लोक एवं आदिवासी नृत्यों की प्रस्तुति, हस्तशिल्प एवं स्वादिष्ट व्यंजनों की प्रदर्शनी तथा बिक्री होती है। सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक डॉ. दीपक खिरवड़कर ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि समारोह में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक हस्तशिल्प मेला नागरिकों को प्रवेश दिया जाएगा। लोक नृत्यों की प्रस्तुति मुख्य मंच पर 6:30 बजे से प्रारंभ होगी। हस्तशिल्प मेले में लगभग 150 से अधिक हस्तशिल्पकार सहभागी होंगे तथा 200 से अधिक लोक एवं आदिवासी कलाकार शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इस मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों के विविध स्टॉल होंगे। हमारा केंद्र भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस वर्ष गत कई सालों की तरह जो मेले की नागपुर कर हमेशा प्रतीक्षा में रहते हैं, ऐसा ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेले का आयोजन केंद्र की ओर से 13 जनवरी से 22 जनवरी इस 10 दिन के दौरान केंद्र के परिसर में किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव अपन इस साल अपन मना रहे हैं देश का, और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये महोत्सव का भी कोविड काल के कठिन काल के बाद इस मेले का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन केंद्र की ओर से हो रहा है। 13 तारीख से 22 तारीख तक चलने वाले इस मेले में करीब करीब 149 स्टॉल लगने वाले हैं, जिसमें विविध हस्तशिल्पी तथा कुछ फूड व्यंजन वाले भी सम्मिलित होने वाले हैं। अच्छे खाद्य पदार्थों का भी नागपुर का रसिक उसका लाभ उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और मेले के दौरान सेंटर में जो ओपन एयर स्टेज है, वो स्टेज पर भी अपने लोक कलावंत जो है उनको प्रोत्साहित करने हेतु, उनका प्रमोट करने हेतु विविध लोक कलाओं का, लोकनृत्यों का भव्य आयोजन रोज शाम को 6 बजे के बाद में किया जाएगा, जिसमें भारत के विविध प्रांतों से, देशों, विविध राज्यों से आए लोक कलावंत उसमें सम्मिलित होगी। 18 जनवरी को शाम 6:30 बजे दिव्यांगों का फैशन शो रखा गया है। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति SVK शिक्षण संस्था के मानसिक दिव्यांग बच्चों द्वारा फैशन शो के जरिए होगी। इसके बाद निकालस महिला महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा भारत का वस्त्र वैभव फैशन शो होगा। अंतिम प्रस्तुति श्रद्धा जोशी के मार्गदर्शन में मिशन विश्वास ममत्व फाउंडेशन के मुद्रा ट्रांसजेंडर कलाकारों द्वारा विविध नृत्यों की प्रस्तुति की जाएगी। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।